नेक्स्ट वीक में आएंगे, ठीक है। रिच एड्रेस ग्रेजुएशन 2021 पास आउट हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ सिंगापुर का, उसके लिए क्लास 10 होने से भी आप अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ आपको उम्र 18 साल होना चाहिए और बेस्ट है हाई स्कूल के साथ करो, क्योंकि क्लास 10 में एक ही प्रॉब्लम होता है, क्लास 10 वो लोग इंग्लिश का मार्क्स देखते हैं। इंग्लिश का मार्क्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मिनिमम आपको 60 से 70% मार्क्स इंग्लिश में चाहिए, क्योंकि इसमें कोई एंट्रेंस टेस्ट होता नहीं है। तो इसलिए क्या है, वो लोग इंग्लिश का मार्क्स देखते हैं, उम्र 18 ईयर्स का ऊपर होना चाहिए और 70% मार्क्स होना चाहिए इंग्लिश में, बस इतना ही क्राइटेरिया है। आपको ग्रेजुएशन नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ग्रेजुएशन है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अजय अंग्रवाल हाय। बाकी और कोई सेकेंड, कुछ पूछना चाह रहा हो तो पूछ हाँ सकता है। सेकेंड में और एक कंट्री का दे रहा हूँ, बहुत अच्छा, वो जो लोग यूरोप पसंद करते हैं उसके लिए मैं दे रहा हूँ, वो है टार्की का। टार्की आप जा सकते हो, टार्की में जो होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जा सकते हो, या तो जर्मन लैंग्वेज के लिए या तो टर्किश लैंग्वेज के लिए, तीनों के लिए जा सकते हो। उसका आपका खर्चा जो है इंडिया में वो सिर्फ 2000 यूरो है, और उसके साथ टिकट का मान लो और 200 यूरो, 2200 यूरो, माने अल्टीमेटली 2 लाख रुपया में आप चले जाओगे। उसमें भी क्या होता है, पहले आपको 700 यूरो पेमेंट करना पड़ता है, तो आपको इनविटेशन लेटर आएगा यूनिवर्सिटी से। फिर आपको क्या है, 500 यूरो पेमेंट करना पड़ता है जो फर्स्ट सेमिस्टर का फीस है, क्योंकि फर्स्ट सेमिस्टर का फीस आप पे नहीं करोगे ना तो वीजा लग भी जाएगा, तो आपको एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर देगा। फर्स्ट सेमिस्टर का फीस आपको इंडिया से दे के ही जाना है, आपका 1200 जैसे लग गया, ये है हो जाता है कॉलेज का फीस। बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है ये सब का है, और इंश्योरेंस फ्लाइट सब लेके आपका 1000 यूरो खर्चा होता है, 2200 यूरो टोटल खर्चा है। अब टार्की में आप 25 से 30 दिन के अंदर पहुंच जाओगे। सर एक और क्वेश्चन है, यूरो वर्सेस अमेरिका पीआर में कौन सा बेस्ट होगा? मेरे एक फ्रेंड अभी गया है अमेरिका, लेकिन वो इंडिया में अभी वापस नहीं आ पाएंगे। आप बताएं लीगल कौन सा वे होगा पीआर के लिए? एज 39। एज 39 है तो मान के चलो किसी देश में पीआर का ऑप्शन नहीं है विदाउट इन्वेस्टमेंट, और विथ इन्वेस्टमेंट का जो आप बात बोल रहे हो पीआर के लिए, तो उसमें क्या है, ग्रीस में 2.5 लाख यूरो इन्वेस्ट करना पड़ता है, माल्टा में 4 लाख यूरो इन्वेस्ट करना पड़ता है, यह है इन्वेस्टमेंट का। क्योंकि पीआर आप 35 तक, जर्मनी जो अपॉर्चुनिटी कार्ड दे रहा है वो 40 तक दे रहे हैं, जिसमें आप पीआर में जा सकते हो बाद में, क्योंकि उसको जॉब मिल जाएगा तो आप पीआर में जा सकते हो। आप पुर्तगाल जा सकते हो, पुर्तगाल में पीआर का ये सिस्टम है, आप लीगल इनलीगल कैसे भी पुर्तगाल पहुंच जाओगे, 2 साल आप रहोगे, पहले आपको सोशल कार्ड बनाना पड़ता है, और उसके बाद आपके पास 2 साल आप उधर रह पाओ, रहे जैसे भी रहे हो, उसके बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ पुर्तगाल में 2 साल में अप्लाई कर सकते हो, जर्मनी में आपके पास ब्लू कार्ड है तो ही आप 2 साल के बाद, ब्लू कार्ड का मतलब होता है आज का दिन में आपके पास 5000 यूरो का मिनिमम सैलरी होना चाहिए, तब आप 2 साल बाद जाके अप्लाई कर सकते हो। बाकी पीआर ये जो बोलते हैं, पीआर एक्चुअली चलता है 2-3 कंट्री में, पर्टिकुलरली कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में मेनली पीआर चलता है। आप यूएसए का जो पीआर बोल रहे हैं, इसमें भी पॉइंट सिस्टम है, इसका भी एज का सेम ही प्रॉब्लम है। आपको यार सबसे बड़ा है कि आप यूएसए और इसमें जहां पर भी पीआर के लिए, पर्टिकुलरली यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, तीनों में सबसे पहले आईएलटीएस दो। आईएलटीएस में क्या स्कोर है ये बहुत डिपेंड करता है पीआर के लिए, डायरेक्ट पीआर के लिए आप अप्लाई करते हो तो। एक अजय भाई पूछ रहे हैं सर, जर्मन का कैसा है प्रोसेस? जर्मन के लिए आपको सीवी भेजेगा तो मैं उसको सजेस्ट कर सकता हूँ, मेरे पास 2-3 ऑप्शन है। एक कर सकते हैं हम डायरेक्टली उसका जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा हो सकता है मैं उसको सिक्योर्ड गेम बोल रहा हूँ, सिक्योर्ड करना है प्रॉपर वे में जाना है, तो उसमें क्या है, पूरा हम उसका डॉक्यूमेंट्स लेके, जर्मन में जैप इक्विवेलेंसी बोल के एक चीज होता है, जैसे हम लोगों का यूजीसी है उधर में जैप है, जैप से इक्विवेलेंसी करना पड़ता है, उनका जितने भी